हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और मैं हूं रवीश। और बात हम कर रहे हैं आईपीएल की, जिसके शुरू होने में बहुत ही कम वक्त बचा है। कुछ ही दिनों का इंतजार है और उसके बाद आईपीएल शुरू हो जाएगा। ऐसे में सभी टीमें जो हैं अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं और हर टीम अपनी दावेदारी भी ठोक रही है। ऐसे में आज हम बात करेंगे एक ऐसी टीम की जिसने एक नया तुरुप का इक्का निकाला है। 5 फुट 4 इंच का यह हथियार बाकी टीमों पर भारी पड़ सकता है। तो कौन सी है ये टीम और कौन सा है ये हथियार, आइए आपको बताते हैं। दिल्ली कैपिटल्स की टीम भले ही आखिर में यूएई पहुंची हो, लेकिन सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करते हुए उन्हें देखा गया है। दिल्ली के कोच रिकी पॉन्टिंग की निगरानी में खिलाड़ियों ने पिछले कुछ दिनों में कड़ी ट्रेनिंग की है। पॉन्टिंग की देखरेख में बल्लेबाज खुद की स्किल्स को मजबूत कर रहे हैं, जबकि कुछ मास्टर प्लान भी तैयार हो रहे हैं, जिससे मुकाबले के दौरान विरोधी टीम को ढेर किया जा सके। अब दिल्ली कैपिटल्स ने तूफानी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ को नेट्स पर उतारा, लेकिन इस बार एक बल्लेबाज के तौर पर नहीं बल्कि बतौर गेंदबाज के तौर पर। पृथ्वी ने गेंदबाजी करते हुए लेग स्पिन गेंद फेंकी, इस दौरान उन्होंने विकेट भी लिया। इसी के बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि शॉ को आईपीएल के मैचों में बल्ले के साथ गेंदबाजी करते हुए भी देखा जा सकता है। आईपीएल के हर सीजन में देखा गया है कि मैच को पलटने के लिए कप्तान बल्लेबाजी में या फिर गेंदबाजी में एक्सपेरिमेंट करता है। अधिकतर मुकाबलों में एक्सपेरिमेंट सफल भी होते हैं। बता दें कि पृथ्वी शॉ की तुलना महान सचिन तेंदुलकर से की जाती है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्पिनर ब्रैड हॉग ने कहा था कि दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज पृथ्वी शॉ उन्हें मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की याद दिलाते हैं। सचिन भी पार्ट टाइम गेंदबाजी किया करते थे, ऐसे में अब शॉ को भी गेंद से कमाल करते हुए देखा जा सकता है। आईपीएल 2019 में यंग पृथ्वी शॉ ने 16 मुकाबलों में 2 अर्धशतकों के साथ 353 रन बनाए थे। दिल्ली कैपिटल्स के पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी टीम में मौजूद हैं। दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी में शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी हैं, जो किसी भी हालत में रन बना सकते हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज एंड्रिक नॉर्थजे आईपीएल के 13वें सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने को तैयार हैं। इसके अलावा आईपीएल के स्पीड किंग कगिसो रबाडा ने भी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। दिल्ली कैपिटल्स की टीम यूएई में है और प्रैक्टिस में हाथ भी आजमा रही है। दिल्ली कैपिटल्स ने, और यह कह सकते हैं कि दिल्ली की फ्रेंचाइजी ने कभी भी आईपीएल की ट्रॉफी को नहीं जीता है। ऐसे में दिल्ली टीम की पूरी कोशिश है कि वो इस बार आईपीएल के खिताब को अपने नाम करे। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि 5 फुट 4 इंच का यह हथियार दिल्ली कैपिटल्स के लिए कितना कारगर साबित होता है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं।